हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल दीपावली का पर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा। ज्योतिष गणना की माने तो इस वर्ष लगभग 500 साल बाद दीपावली पर 4 राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें शनि देव एस राजयोग बना रहे हैं तो मंगल और सूर्य की युति से भी राजयोग बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, शनिदेव स्वराशि कुंभ में भी यस शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा इस दिन आयुष्मान योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में दीपावली के दिन इस तरह के योग का निर्माण कई राशि के जातक की किस्मत बदलने वाली है। इन राशियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। तो चलिए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं हैं उस लिस्ट में शामिल। 12 नवंबर शुभ दिन रविवार, दीपावली का महापर्व पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ सनातनी भाई बहन मनाएंगे। अनुमानित 500 वर्षों के बाद अब की बार की दीपावली में 4 शुभ राजयोग बन रहे हैं। शनि अपनी ही स्वराशि कुंभ में विचर रहे हैं, जो शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो सूर्य और मंगल की युति भी राजयोग का निर्माण कर रही है। शनि की यह दशा शश राजयोग के साथ साथ आयुष्मान योग बना रही है, जो मेष, मकर और धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और खास है। दीपावली का यह संयोग हम सनातनियों के लिए बहुत ही दिव्य और महत्वपूर्ण है। हमें चाहिए कि रविवार के दिन अर्थात 12 नवंबर को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दें। तत्पश्चात भगवान सूर्य के 12 नाम का जप करें अथवा भगवान शंकर द्वारा रचित सूर्याष्टकम का पाठ करें, और अगर संभव हो तो आदित्य हृदय स्त्रोत का भी पाठ करें। दीपावली का यह महापर्व सभी सनातनियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका भरपूर लाभ उठाएं और राजयोग का भरपूर आनंद लें। जय सियाराम।